हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भवानी सिंह, भवानी एकेडमी से आज आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। दोस्तों, आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या भारत का महान्यायवादी। और जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारा हाथ सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। हम मानते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वही देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। पर दोस्तों, यहां पर हम गलत हो जाते हैं। देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसे हम देश का पहला विधि अधिकारी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आए दिन परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है, फर्स्ट लॉ पर्सन कौन होता है, तो आंसर महान्यायवादी। मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक खत्म होने के बाद भविष्य में हम लोग आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, पहला विधि अधिकारी, सबसे बड़ा कानून अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है, 76। दोस्तों, विधि अधिकारी महान्यायवादी, ये केंद्र सरकार के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार का वकील माना जाता है। इसे अगर हम भारत सरकार का वकील बोल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, केंद्र सरकार का वकील है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से केंद्र की सरकार के बाद राज्य सरकार, जो राज्य सरकार होती है, जिस तरह से हमारे देश के कुल 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं, तो उन 29 राज्यों में हर राज्य के पास एक एक महाधिवक्ता होगा। ये राज्य सरकार, जो राज्य सरकार का वकील होगा उसे हम अधिवक्ता कहते हैं, और जो केंद्र सरकार का वकील होगा उसे महान्यायवादी कहते हैं। जो केंद्र सरकार का वकील है, जिसे हम विधि अधिकारी कह रहे हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। तो दोस्तों, महाधिवक्ता जो होता है वो केंद्र से एक स्टेप नीचे होता है। कितने स्टेप नीचे होता है, एक स्टेप नीचे होता है। इसलिए एक स्टेप नीचे होता है तो 7 में से कम कर दो 6, और 6 में से कम कर दो 5, तो ये बना 165। यदि हम अधिवक्ता की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में उसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 अधिवक्ता की चर्चा करता है, संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की चर्चा करता है। दोस्तों, योग्यता, योग्यता के ऊपर चर्चा करते हैं, कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो दोस्तों, ये वकील होता है केंद्र सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का मतलब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से संबंधित है। तो वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति महान्यायवादी कहलाता है। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता वो बन सकता है जो हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता रखता हो। देखो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र से संबंधित है, जो हाई कोर्ट है वो राज्य से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का विधि अधिकारी महान्यायवादी होगा, राज्य सरकार का विधि अधिकारी जो है वो महाधिवक्ता होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता होगा वो महान्यायवादी बनाया जा सकता है, और जो राज्य हाई कोर्ट के जज की बनने की योग्यता रखता है वो महाधिवक्ता होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका क्षेत्र। जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां जहां केंद्र सरकार का केस है। जो महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए केस लड़ सकता है, पर 29 राज्यों के हाई कोर्ट में भी भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए एलिजिबल है। दूसरी तरफ,
महाधिवक्ता। इसका दायरा एक राज्य तक सीमित है। जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का केस राज्य के अधीन, चाहे वो हाई कोर्ट है या फिर वो आप लोगों का सेशन कोर्ट है या जिला न्यायालय है, तो महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार का पक्ष रखेगा एक राज्य के अंदर। तो इसका दायरा छोटा है एक राज्य के अंदर, और इसका दायरा बड़ा है, ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी केस लड़ सकता है भारत सरकार के पक्ष में। तो दोस्तों अब इसके पारिश्रमिक सैलरी की बात करते हैं। जो महान्यायवादी होता है इसका पारिश्रमिक या इसकी सैलरी, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, ये दोस्तों टोटल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और इसके पारिश्रमिक का जो टोटल वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ये राष्ट्रपति की मर्जी से इसको नियुक्ति और इसका जो रिटायरमेंट होता है वो भी राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महान्यायवादी, विधि अधिकारी, सबसे बड़ा कानून अधिकारी, भारत सरकार का वकील, आर्टिकल 76 में नियुक्ति, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की रखता है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वही महान्यायवादी बन सकता है। इसका दायरा होता है भारत के किसी भी कोर्ट में, ये भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, इसको पारिश्रमिक मिलता है। और महाधिवक्ता राज्य का वकील होता है, 29 राज्य है तो हर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य सरकार का केस लड़ेगा, राज्य सरकार का वकील कहते हैं इसको। वर्णन 165 में इसका किया गया है, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो वही महाधिवक्ता बन सकता है। तो दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट हमारा कि महान्यायवादी क्या है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। और दोस्तों आए दिन परीक्षा में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रीफ में, अंत में हम ये देखते हैं कि महान्यायवादी, जिसको सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून अधिकारी माना गया है, विधि अधिकारी माना गया है, ये भारत सरकार का वकील होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो रिटायरमेंट है वो भी राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर ही निर्भर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता है वही महान्यायवादी बनता है, और भारत सरकार का पक्ष भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में रख सकते हैं। दूसरी तरफ महाधिवक्ता राज्य सरकार के वकील होते हैं, जिनका वर्णन 165 में किया गया है, वही व्यक्ति महाधिवक्ता बन सकता है जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, और वह राज्य सरकार के हाई कोर्ट के अतिरिक्त राज्य के अंदर जिला न्यायालय में भी राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इनके ऊपर ही जो हमारे कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारे महाधिवक्ता जी हैं, इनकी नियुक्ति से जो संबंधित है वो राज्यपाल जी हैं। तो राज्यपाल की मर्जी के ऊपर ही इनकी नियुक्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बड़े अच्छे से समझ लिया है। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में जितना छोटा है आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है।